कोरोना काल के कठिन समय में बिजली के उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए बिजली विभाग ने ऑनलाइन बिल जनरेट करने की व्यवस्था की है। अब घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ता अपने घर बैठे ही बिजली का बिल स्वयं जनरेट कर भुगतान भी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल धर्मशाला की अधिशासी अभियंता विकास ठाकुर ने बताया कि उपभोक्ताओं को www.hpseb.in/trust-based-billing/tbb-home पर क्लिक करना होगा और बिल बनाने के लिए 12 नंबर में उपभोक्ता आईडी लिखकर एनेबल करना होगा। उन्होंने कहा कि आईडी दोबारा डालने पर उपभोक्ताओं को बिल की पुरानी रीडिंग दिखेगी, उसे कंफर्म करें, नेक्स्ट का बटन दबाकर मीटर की नई रीडिंग भरें और जनरेट का बटन क्लिक करें, बिल जनरेट हो जाएगा और बिल भरने का ऑप्शन भी आएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं। बिल जनरेट होने पर उपभोक्ता अपना बिल बिजली बोर्ड की साइट पर भी चेक कर सकते हैं और भुगतान भी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि भुगतान केवल ऑनलाइन ही करें, क्योंकि सामाजिक दूरी रखने के चलते बिजली विभाग के काउंटर बंद हैं। कोरोना काल में विकास ठाकुर ने सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए लोगों से अधिक ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की। एक कोविड का महा दौर चला हुआ है, तो इसमें हमारे बिल रीडर्स को भी और पब्लिक को भी अगर सेफ्टी रहे तो ना वो लोगों के घर डोर टू डोर जाके बिलिंग करें और वैसे ही लोगों के भी संक्रमण से बचे, लोग भी उस संक्रमण से बचे रहें, इसके लिए बोर्ड ने ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग का शुरुआत की थी हमने, जिसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे उसमें आप अपना बिल वंस यू हैव टू रजिस्टर ऑन डैट पर्टिकुलर वेबसाइट, आप एक बार HPSEB वेबसाइट पर जाइए, उसको अपने आप रजिस्टर करिए, उसमें आपने सिर्फ अपना एक कंज्यूमर आईडी या इंस्टॉलेशन नंबर, जो भी आपके बिल में दोनों चीज़ें दी रहती हैं, कंज्यूमर आईडी आपकी 1400 इस तरह करके आईडी रहती है, और ये जो फैसिलिटी है ये 20 किलोवाट से नीचे के जो कनेक्शन है हमारे उनके लिए फैसिलिटी अवेल कर वो अवेल कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप रजिस्टर होंगे वन टाइम, और उसके बाद आपने वंस यू गेट रजिस्टर्ड तो उसके बाद आपने अपना बिल जनरेट करना है, उसमें आपकी लास्ट जो बिल की रीडिंग है वो आ जाएगी और आपने नई रीडिंग मीटर पे आपने देख के जो आपकी रीडिंग आती है KWH में, वो रीडिंग आपने इसमें डालनी है। तो वंस बिल इज़ जनरेटेड तो आप उसको वहीं से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो बेटर है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और समय रहते अपना बिजली का बिल भी देते रहें, ताकि वो बिजली का बिल जो आपका क्यूमुलेट होता रहेगा उससे आप लोग बचे रहें और सुरक्षित रहें। आपके पास पेंडिंग बिल्स हैं जो आपने अभी तक नहीं दे पाए, किसी वजह से नहीं दे सके हैं, काइंडली उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को अवेल करें। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए ही दी गई हैं, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को अवेल करें टू अवॉइड LPS जो भी लेट पेमेंट सरचार्जेज होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो पब्लिक के वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन माध्यम के बिजली बोर्ड ने दिए हैं आप लोगों को, काइंडली उसे अवेल करें। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।